जैन साथियों, कैसे हो आप? से मैं स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। दोस्तों, बात करेंगे आज SSB 181 पोस्ट के बारे में। जल्दी हो सकता है आपका पेपर। दोस्तों, आपका पेपर कब तक हो सकता है? फ्रेंड्स, आपके इसमें कितने पेपर होते हैं? एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती? आपके दोस्तों में स्टूडियो में सभी डाउट क्लियर करेंगे। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, वीडियो से बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपका जैसे मैं ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों, एक बार बात करते हैं आपकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट SSB ASI हेड कॉन्स्टेबल SI स्टाफ नर्स की आपकी इसमें दोस्तों पोस्ट थी। आपको पता भी होगा जब आपने फॉर्म फिल किया था, ये आपके फ्रेंड्स जो फिजिकल थे जनवरी फरवरी के महीने में हुए थे 2019 में। ठीक है, आपका अब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे बात करो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो टोटल पोस्ट इसमें 181 है, 181 आपकी टोटल पोस्ट है इसमें। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए, आपकी हेड कॉन्स्टेबल की 74 वैकेंसीज है आपकी, और SI स्टेनोग्राफर की आपकी 54 वैकेंसी है, 54। और यहाँ पे SI स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट यहाँ पे 23 पोस्ट दी गई है। SI पैरामिनिस्ट की यहाँ पे 18 पोस्ट है आपकी। SI ऑपरेशन थिएटर आपकी 2 पोस्ट है, ठीक है। SI डेंटल टेक्सीन की यहाँ पे 2 पोस्ट है आपकी। SI रेडियोग्राफर की आपकी 8 पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, आपकी ये पोस्ट इस प्रकार से दी गई है इसमें। तो दोस्तों, बात करते हैं आपके इसमें कितने पेपर होते हैं। कहीं मुझे कमेंट मिलेगी सर हमारे अगर 3 पेपर होंगे या फिर 2 पेपर होंगे, प्लीज हमें एक बार बता दीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं आपके इसी टॉपिक पे एक बार। तो फ्रेंड्स, आपको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए आप, पेपर 1 ड्यूरेशन 2 घंटे। दोस्तों, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा भाई, वो 2 घंटे का होगा और वो सबके लिए होगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, फॉर ऑल पोस्ट पेपर 1 विल बी 100 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं मैं, जब का जो फर्स्ट पेपर होना भाई, वो हर एक पोस्ट के लिए होना है। चाहे आपने SI हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल कौन सी पोस्ट फिलअप की है आपने फॉर्म भरते वक्त, आप सबके लिए पेपर अनिवार्य है फर्स्ट वाला। और दोस्तों, आप देख लीजिए 50% फॉर जनरल OBC इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन। अगर आप दोस्तों जनरल से हो, OBC हो, फ्रेंड्स आपको 50 नंबर लेने बहुत ही अनिवार्य है फर्स्ट पेपर में। अगर आप SC ST से हो और एक्स सर्विसमैन हो दोस्तों SC ST में, फ्रेंड्स आपको 45 नंबर लेने बहुत इसमें जरूरी है। और मुझे बहुत सारे कमेंट मिले कि सर इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। तो दोस्तों, आपको बता दूं, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती भाई, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दोस्तों, बात करते हैं आपके सेकंड पेपर के बारे में अभी। तो फ्रेंड्स, अभी देखा टेक्निकल रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 2 घंटे। फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड पेपर होना है, ये भी आपका 2 घंटे का पेपर होना है, टेक्निकल पेपर होगा आपका ये। और दोस्तों, ये किन के लिए होगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फॉर SI स्टाफ नर्स फीमेल के लिए दोस्तों पेपर होगा। SI पैरामिनिस्ट के लिए पेपर होगा। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के ये पेपर होगा दोस्तों सेकंड पेपर। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए यहाँ पे SI स्टाफ नर्स के लिए पेपर होगा ये फीमेल के लिए। SI पैरामिस्ट के लिए पेपर होगा। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए पेपर होगा ये। जो दोस्तों आप सेकंड पेपर देख रहे हो भाई, ये SI स्टेनो और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्री के पेपर ये नहीं होगा भाई। सेकंड पेपर आपका बात करते हैं आप किसमें, आपको देखिए 50 नंबर लेने अनिवार्य है इस पेपर में भी, और 45 यहाँ पे SC ST को लेने बहुत ही जरूरी है, एक्स सर्विसमैन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स, आपके चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं आपके सेकंड पेपर के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्टिव नेचर ऑफ 2 हार्स ड्यूरेशन फॉर SI स्टेनो हेड कॉन्स्टेबल। दोस्तों, अगर आपने हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल SI स्टेनो की पोस्ट फिलअप की है भाई, आपका भाई इसमें सेकंड पेपर भी होना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पोस्ट SI स्टेनो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्री की पोस्ट फिलअप की है भाई, आपका सेकंड पेपर इसमें जरूर होगा। लेकिन वो आपका पेपर भाई टेक्निकल बेस पे होगा। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आपके राइटिंग लिस्ट लिखवाई जाएगी, यहाँ पे राइटिंग यहाँ पे 25 मार्क्स आ जाता है एक लेटर राइटिंग, और यहाँ पे दोस्तों कंप्रिहेंशन आपका इसमें पेपर में आएगा। तो गाइस, आपका ये काफी टफ पेपर नहीं होता भाई, बहुत अच्छा पेपर होता है, बहुत आसान होता है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, जब आपकी पोस्ट थी SSB हेड कॉन्स्टेबल की 872 पोस्ट थी भाई, उसमें बिल्कुल आपका सेम यही था। तो इतना कुछ नहीं था भाई, पेपर बहुत ही इजी आता है। अगर आप दिल से स्टडी करोगे भाई, आपका 100% इसमें हो जाएगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 50 नंबर आपको लेने बहुत ही अनिवार्य है इस पेपर में, और 45% आपको SC ST को लेने बहुत ही जरूरी है। कई मुझे कमेंट थे कि सर हमारे पेपर इसमें कितने होते हैं, तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया भाई, आपके इसमें 2 पेपर होते हैं सबके लिए, मैं बता रहा हूँ आपके इसमें 2 पेपर होते हैं, 3 पेपर नहीं होते हैं। कई के मुझे कमेंट थे कि सर हमारे इसमें 3 पेपर होते हैं। फिर दोस्तों, आपके इसमें बाद में टाइपिंग होती है भाई, टाइपिंग की जो आपकी स्पीड है 35 पर मिनट होनी चाहिए आपकी। SI के लिए आपकी जो स्टेनो होती है भाई 80 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है वो। आपकी फ्रेंड्स टाइपिंग स्पीड कितनी आ रही है भाई, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी दोस्तों टाइपिंग स्पीड अगर नहीं है भाई, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी आ रही है अभी हाल ही में, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो, सजेशन हो, मुझे कमेंट जरूर करें। अब बात आती है पेपर के ऊपर, आपका पेपर कब होगा दोस्तों। फ्रेंड्स देखिए, आपका लॉकडाउन भाई हट चुका है, धीरे धीरे आपका लॉकडाउन हट रहा है भाई, आपका पेपर अब होने की बहुत बहुत संभावना भाई। आपका मान के चलिए भाई, एग्जाम जून जुलाई तक आपका पेपर हो जाएगा भाई। जब भी आपका एडमिट कार्ड आएंगे, मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बना दूं भाई, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर फ्रेंड्स आप SSB या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो भाई, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ सजेशन हो, मुझे जरूर कमेंट करें। आपको किसी बात में डाउट लगता है, मुझे कमेंट जरूर करें भाई, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।